दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें, किसानों के लिए बड़ी खबर है, वहीं युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, वहीं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मोदी सरकार कर्मचारियों को देने जा रही है नए साल पर बड़ा गिफ्ट, इतनी बढ़ जाएगी अब सैलरी कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने इसी महीने दीपावली बोनस के साथ महंगाई भत्ते को बढ़ाया था, अब एक बार फिर से एक भत्ते को और बढ़ाने की बात चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा जनवरी महीने से मिल सकता है। कर्मचारियों को मिलने वाले HRA को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने से कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 11 करोड़ 56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट को लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया है। वहाँ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़त हो जाएगी। इस प्रकार से कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जनवरी से खुशखबरी दे सकती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि किसानों को अब नाबार्ड से मिलेगा ज़्यादा लोन। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी अब सरकार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के 100% किसानों तक KCC कवरेज बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि उत्पादक समूह के लिए वित्त पोषण पर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र ने कोविड महामारी में भी विकास की दर को बनाए रखा है, यह किसानों की मेहनत का ही परिणाम है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में किसानों की उद्यमिता को बढ़ाने की प्राथमिकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फसली ऋण पर 1,18,288 करोड़ और कृषि सावधि ऋण पर 62,693 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया है, जो किसानों को बहुत ही राहत देगा। वर्ष 2022-23 के लिए 2,42,967 करोड़ के कुल ऋण का अनुमान है, जिसमें से लगभग 74% कृषि क्षेत्र को मिलेगा। वहीं MSME के तहत 39,267 करोड़ एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में निर्यात, ऋण, शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा, अन्य और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर 22,715 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के 100% किसानों तक KCC कवरेज बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि उत्पादक समूह के वित्त पोषण पर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन नाबार्ड के तहत मिल पाएगा, ताकि वे अपना खेती का काम सुचारू रूप से कर सकें। वहीं किसानों को खाद खरीदने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। सतना में घंटों कतार में खड़े होने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है, परेशान किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया। जिले में एक बार फिर यूरिया खाद की समस्या और कालाबाजारी उजागर हुई है। प्रशासन के लाख दावे के बाद भी खाद की समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ इसी तरह DAP खाद की समस्या और वितरण प्रणाली में भी लापरवाही से परेशान किसानों ने शहर के कोलगांव थाना अंतर्गत बिरला रोड में चक्का जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। सतना जिले के बिरला रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में शुक्रवार सुबह से ही किसानों की लंबी कतार DAP खाद लेने के लिए लगी थी। यहाँ किसान कई घंटे से कतार में लगे थे। उन्हें टोकन के माध्यम से खाद दी जानी थी, लेकिन वह नहीं मिल पाई। ऐन वक्त में किसानों को खाद तो क्या, कई घंटे कतार में लगने के बावजूद टोकन तक नसीब नहीं हुआ। भूखे प्यासे कतार में खड़े किसानों का गुस्सा उस समय फूट गया जब दोपहर के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हुआ और भीड़ बढ़ती गई। किसानों का गुस्सा फूटा तो किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इस प्रकार से प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और खाद की कमी को देखते हुए किसान परेशान हैं। आए दिन किसान हर जिले में चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तथा सरकार को अभी तक कोई सुध नहीं आ रही है। वहीं युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में खाली और बैकलांग पदों को भरने के लिए चलेगा अभियान। 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से होगी अब भर्ती। मध्य प्रदेश में खाली और बैकलांग के पदों को भरने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सभी विभागों से कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर उन पदों को चिन्हित करें जिन्हें सबसे पहले भरा जाना आवश्यक है।
पद राज्य लोक सेवा आयोग पीबी सहित अन्य एजेंसियों के माध्यम से भरे जाएंगे। 1,00,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्दी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने बैकलांग के पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने की अनुमति जून 2022 तक विभागों को दी है। इसके लिए रिक्त पदों की जानकारी विभागों से मंगवाई जा चुकी है ताकि जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाए। वहीं अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें उन पदों को सबसे पहले भरा जाएगा जो विभाग की जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अन्य पदों के बारे में विचार किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ की जाएगी। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। जल्दी समीक्षा बैठक भी होने वाली है। तो इस प्रकार से बैकलांग युवाओं के लिए खुशखबरी है, 1,00,000 पदों पर होगी अब भर्ती। वहीं नीति आयोग ने रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है, अर्थात 1/4 आबादी अभी भी गरीब है। नीति आयोग ने शुक्रवार को अपनी जारी रिपोर्ट में बताया कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य हैं देश के। उसके बाद सूचकांक में मध्य प्रदेश और मेघालय का स्थान आया है, अर्थात 4th नंबर पर मध्य प्रदेश को गरीब बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। वहीं मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है। वहीं मेघालय में 32.67% आबादी गरीब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय MPI एक समग्र उपाय जो गरीबी को सरल शब्दों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों में कमी के रूप में परिभाषित करता है। इसी मानकों को तय करते हुए, इन्हीं मानकों को देखते हुए गरीबी का उन्मूलन किया गया है जो मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है, अर्थात 36.36% आबादी अभी भी गरीब है, अर्थात 1/4 आबादी अभी भी गरीब है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी देश का सबसे धनी राज्य बन सके। नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं, जब हमने शुरू की थी लाडली लक्ष्मी योजना 912,000 बेटों में ये नवजात जो शिशु पैदा हो उनकी संख्या है, 1,000 बेटों पे 912 बेटियां। अब बढ़ते बढ़ते मैंने भारत सरकार के आंकड़े के रहे नेशनल हेल्थ सर्वे, 1,000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो गई। किसी योजना का कितना गहरा असर हो सकता है। हम कन्या पूजन करते हैं तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते, बोले मुख्यमंत्री कन्या पूज रहा है। बेटी के सम्मान सरकार के माध्यम से समाज के मन में भाव पैदा करने का, बेटी है तो ही करती है, ऐसी उन्हें असर दिखाती है और लोगों की जिंदगी बदलती है। मैं आज एक सुझाव और देना चाहूंगा, देखिए हमको लाडली लक्ष्मी सम्मेलन करना है, सरकार को नहीं पार्टी को करना चाहिए, हर जिले में करना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।